नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सीएनजी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीएनजी आज की तारीख में इजी हो गया है, कंपलसरी हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे सिस्टम अपडेट होते हैं वैसे वैसे टेक्नोलॉजियां भी अपडेट होती है। पहले के टाइम में सीएनजी लगाना बेहद मुश्किल था, लेकिन अब जब से टेक्नोलॉजी डेवलप किया है तब से बहुत ही आसान हो गया है। सबसे पहले पाइप को रिफिलर करना ज़रूरी होता है। अगर हम इसमें डाल करके सीएनजी के जहाँ टाइट होता है पाइपलाइन, वहाँ पे अगर डाल के हम करते हैं तो अच्छा हो जाता है। और मैपिंग, अब सिक्वेंसल जब से आया है तब से मैपिंग भी करना एक बेहद ज़रूरी हो गया है, और सिस्टम के आधार पे ही हम उसको एडिट करके और उसको अपडेट कर देते हैं। और रिड्यूसर वगैरह जो है आप अच्छा से अच्छा कोई भी लगा लें, चलते सभी हैं, और इसका जो भी सिस्टम है जो लैपटॉप वगैरह में अपना इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर को, और गाड़ी अपना मैपिंग या ऑटो कैलिब्रेशन पे सेटिंग करते हैं, तो ये क्या होता है कि आपके गाड़ी के साथ ईसीयू का और सीएनजी का ईसीयू का दोनों का एक दूसरे से तालमेल अच्छे तरीके से बैठ जाता है। और जब तक अच्छे तरीके से तालमेल नहीं बैठता है तब तक हमारी गाड़ी परफॉर्मेंस जो है अच्छा नहीं देती है। तो आपको मैं बताता चलूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी चीज़ है। मेरे सारे जो नोटिफिकेशन हैं वो आप तक पहुंच जाएगा आसानी से। ये नोजल वगैरह जब भी टाइट करें तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये कभी भी सीधा ना आए, ये हेड के तरफ जो है हल्का सा बेंड की दिशा में जाए, ताकि उसका सिग्नल गैस जब निकले तो फोर्स उसका डायरेक्ट हेड की दिशा में जाए। क्योंकि मैनिफोल्ड की दिशा में जाएगा तो गाड़ी थोड़ा सा प्रेशर से अच्छा नहीं चलेगी, मज़ा नहीं आएगा। और रिड्यूसर जब भी टाइट करें तो प्रयास ये करें कि सीधा रहे, सीधा सीधा रखने से हमें फ़ायदा ये होता है कि प्रेशराइज जो है गाड़ी अच्छी तरीके से होती है, और प्रेशर जो है जो आउटपुट होता है वो बढ़िया तरीके से पूरे फ्लो में निकलता है। और ईसीयू थोड़ा सा ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पे एक्सीडेंटल की पोजीशन ना हो, या लड़ते भिड़ते कोई पार्ट्स ख़राब ना करे, क्षतिग्रस्त ना हो। कई बार क्या होता है कि प्लास्टिक जो है एल्युमिनियम को काट देता है, लेकिन एल्युमिनियम प्लास्टिक को नहीं काट पाता है। लोहा प्लास्टिक को नहीं काट पाएगा, लेकिन प्लास्टिक लोहे को काट देगा। कई बार हम लोगों के सामने ऐसी चीज़ें मिली है जैसे कि ब्रेक का पाइप हो गया और उसके साथ जो है हमने टाई बांध रखा है प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक तो जेब कहते हुए रह जाता है हिलते हिलते, लेकिन क्या है कि लोहा कट जाता है, जैसे कि लोहे का ब्रेक पाइप हो गया या अदर कोई पार्ट्स हो गया, तो लोहा कट जाएगा लेकिन प्लास्टिक नहीं कटेगा। तो कभी भी ध्यान देकर देखिए कि जैसे कि एक दूसरे की या तो चपका हुआ है तो बिल्कुल टाइट हो, और नहीं तो दूर रखें, क्योंकि दूर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और चलते चलते मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना कमेंट, अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य छोड़ें। अगर आपके पास भी कोई राय सुझाव हो तो प्लीज़ आप मुझसे साझा कर सकते हैं, हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी के हिसाब से ही हम अगली वीडियो जो है आपको भेजें। स्विच डायरेक्ट करने के लिए कई लोगों ने मुझसे किया है, अब अगली वीडियो में हम स्विच डायरेक्ट कैसे किया जाता है ये बताते हैं। और मैं ये देखता हूँ कि बहुत से लोग संकोच करते हैं, तो आप प्लीज़ संकोच ना करें। कोई भी अगर आपके पास बात हो तो आप मुझसे राय कर सकते हैं, और अपना राय जो है मुझे अपने कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। इसी के साथ चलते चलते जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अभी तक आप देख रहे थे न्यू विजय ऑटो गैस सीएनजी इंस्टॉलेशन सिस्टम। धन्यवाद।